हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोलेरेथियासिस के बारे में। दोस्तों जब भी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो वैसी कंडीशन को बोलते हैं कोलेरेथियासिस। तो उसी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को ऐसी कंडीशंस हो गई हो कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया हो तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे हो जाता है यह और कैसे इसको हम सही कर सकते हैं। दोस्तों आपको कुछ प्रूफ के साथ में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बड़े सारे डॉक्टर्स इस केस में सिर्फ एक ही कंडीशन बताते हैं कि ऑपरेशन करना, पित्ताशय को काट करके निकाल देना, गॉल ब्लैडर को काट कर निकाल देना, यही उनके पास में इलाज होता है, जबकि ऐसा 100% सत्य नहीं है। दोस्तों इसको दवा के माध्यम से या दूसरी और जड़ी बूटियां हैं जिसके माध्यम से इसको सही किया जा सकता है। आपको कुछ प्रूफ आज मैं दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि जब भी बाइल की मात्रा या बाइल का जो सांद्रता होती है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जब ये बढ़ जाता है तो यह कॉन्सेंट्रेट होने के बाद में उसके जो तत्व होते हैं, जो यौगिक होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं केमिकल, वो आपस में जुड़ने लगते हैं, और जिसकी वजह से बाइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़ने के बाद में पित्ताशय में पथरी का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों तो ये एक बड़ा कारण होता है, और जब भी प्रॉपर मात्रा में जो पित्त होता है या जिसको हम लोग बाइल बोलते हैं, यह जब पूरी तरह से सही मात्रा में निकल नहीं पाता है, रुकने लगता है, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ जाता है पित्ताशय के अंदर में, तो वहां से पित्त पथरी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। दोस्तों तो अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों अब ऐसे केस में जब पथरी हो गई हो तो पहला तो ये हमको करना चाहिए कि पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। दूसरा हमको ये करना चाहिए कि ऑयली चीज़ें किसी भी प्रकार से लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। ऑयली फूड खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हरे पत्तीदार सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो मैं करता हूँ उसमें, जब भी मैं किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देता हूँ तो उसमें होम्योपैथिक दवा में देता हूँ, साथ में कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें सबसे प्रमुख है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा का इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो पित्त होता है वह धीरे धीरे शरीर से बाहर होना शुरू हो जाता है, और जो अंदर पित्त बना हुआ है वह धीरे धीरे उसमें गलना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक आता है पेस्ट, जिसको बोलते हैं गैनोजी पेस्ट, इसका इस्तेमाल करने से पित्त धीरे धीरे करके गलना शुरू हो जाता है। दोस्तों और इसमें कुछ मुख्य दवाएं हैं जिनके बारे में आपसे मैं चर्चा करता हूं, जिन दवाओं का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है या जो मैं करता हूं, उसमें जो पहली दवा है दोस्तों वह है सल्फर। किसी भी पेशेंट को, किसी बीमारी को जब शुरू करते हैं हम किसी दवा से, वह पहली दवा होती है सल्फर, पल्सर्टिरा, कैलगेरिया कार, इन दवाओं से हम शुरू करते हैं। तो पहली दवा मेरी होती है सल्फर। सल्फर देने के बाद में पेशेंट को, जब भी कभी आप देखें कि जिनको पित्त में पथरी होती है उनके पास गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, पेट में दर्द, गैस की समस्या, तो वैसे केस में लाइकोपोडियम, चाइना, कार्बोवेज, इन दवाओं में से जो सबसे प्रमुख दवा आपको सामने नजर आए या जिसके लक्षण आपको मिलते हैं उसको आप जरूर दीजिए। फिर मदर टिंचर के फॉर्म में बर्बेरिस वल्गैरिस, इसकी एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। दोस्तों बर्बेरिस वल्गैरिस के बारे में आपको बताऊं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसी दवा जो कि पत्थर को निकालने की दवा है, इसको कहीं पे भी पथरी है, चाहे वो रीनल रीजन में है या कहीं पे भी है, तो ये दोनों तरीके की पथरी को, या तो रीनल रीजन की है, किडनी की है, या आपके गॉल ब्लैडर की है, दोनों को निकालने की क्षमता रखती है। दोस्तों इसके अलावा कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे कार्डुअस एम, जो मदर टिंचर फॉर्म में होता है, इसको भी लेने पे पित्त पथरी में आराम मिलता है, और धीरे धीरे पित्त की जो पथरी होती है गल करके बाहर निकल जाती है। दोस्तों इसके अलावा एक और दवा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रिनम। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका अगर लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो धीरे धीरे पित्त में जो पथरी होती है वो शरीर से बाहर निकलने शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये मैंने आपसे
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये जिससे आप लोग इससे फायदा लेंगे। और दोस्तों, अगर किसी को पित्त में पथरी है, इन सारी चीजों को करने के बाद भी अगर नहीं निकल रही है, तो एक बार संपर्क जरूर करें मुझसे, और मेरी कोशिश होगी कि पित्त में जो पथरी है उसका सही से ट्रीटमेंट करके, उसको गला करके, छोटा करके, या उसको हम सही से बाहर निकाल पाए। मैंने आपसे बोला था दोस्तों कि मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था, जिनका पथरी पहले 9 mm 10 mm का था, अभी 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में इस समय 6.1 mm का रह गया दोस्तों। ये इसका ताज़ा रिपोर्ट है, और इसके पहले भी कई सारे ऐसे पेशेंट हो चुके हैं जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया है, आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने कि अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं, या इन सारी चीज़ों का, इन दवाओं का, इसके साथ में आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका सही से हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम पूर्णतः सही कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए बड़ी लाभप्रद होगी, इसका आप लोग फायदा उठ लीजिएगा, और किसी को भी पित्त में पथरी हो तो उसको आप ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जानकारी आज की अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, अपने ज्यादा से दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।